हेलो माय डियर लिसनर्स, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका। रेशियल सेग्रीगेशन की पॉलिसी साउथ अफ्रीका में, जिनसे मिस्टर नेल्सन मंडेला पीड़ित थे, उन्होंने बड़े कष्ट सहन किए। उनसे पहले दो राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति जिनको डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई, ये दो मिस्टर डी क्लार्क और थाबो मबेकी थे। और हमने यहाँ से हमारा प्रीवियस लेक्चर में पार्ट छोड़ा था। थोड़ा सा स्टोरी से लिंकेज बनाने के लिए हम प्रीवियस सेंटेंस को फिर से रिपीट करते हैं। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, एकत्रित हुए मेहमानों और इस पूरे विश्व के देखने वालों के लिए, आई सेड, मैंने कहा था, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हम सब यहाँ अपनी स्थिति में इस न्यू बॉर्न लिबर्टी मीन्स नवजात स्वतंत्रता के प्रति उम्मीद, एक आशा और शान मींस ग्लोरी प्रदान करते हैं। कन्फर्म मींस गिव। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर्स दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी will be proud। एक अद्भुत मानवीय विनाश के हमारे अनुभव से, that lasting long, जो काफ़ी लंबे समय तक चला था, must be born a society of which all humanity will be proud। एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पर पूरी मानवता गर्व महसूस करेगी। वी हू वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। हम जो इतने लंबे समय से, काफ़ी समय से आउटलॉज का मीनिंग क्या है, टू डिप्राइव ऑफ लीगल फोर्स, जिन्हें सभी तरह के कानूनों से, सभी तरह की सुविधाओं से, सभी तरह के लीगल फोर्स से वंचित रखा गया था, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल। हम सभी को आज ये हमारी इस धरती पे, हमारे देश की मिट्टी पे, पूरे संसार से आए हुए राष्ट्रों के मेजबान बनने का ये दुर्लभ अधिकार मिला है।
वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज ऑल इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। हम हमारे उन सभी जाने माने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं जो हमारे लोगों के साथ, हमारे इस देश के साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ ये प्रदर्शन शेयर करने के लिए आए हुए हैं, जो सब मिला के न्याय के लिए, शांति के लिए, मानव वैभव के लिए एक मिलीजुली जीत है, एक कॉमन विक्ट्री है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन आखिर में हमने हमारी राजनीतिक इमेंसिपेशन, हमारी बंधनों से, उन रेस्ट्रिक्शन से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। राजनीतिक स्वतंत्रता हमें उन बंधनों से मिल चुकी है। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पावर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे देखिए, इमेंसिपेशन का मीनिंग फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन और डिप्राइवेशन का मीनिंग स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंच राइटफुल बेनिफिट्स। किसी के कर्तव्य परायण या राइटफुल बेनिफिट्स किसी को मिलने की स्थिति ना मिल पाना, अपने अधिकार ना मिल पाना। तो यहाँ पे देखिए, वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पावर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। हम एक साथ मिलकर कसम खाते हैं, लगातार निरंतर जो बंधन थे, गरीबी के बंधन, डिप्राइवेशन के, डिप्राइवेशन मीन्स हमें अपने अधिकार नहीं मिल पाते थे, हमारे कष्टों के बंधन, लिंग भेद और दूसरे डिस्क्रिमिनेशन, दूसरे भेदभाव, उन सभी से हमारे लोगों को स्वतंत्र रखने की, उनको मुक्त रखने की, उनको आज़ादी प्रदान करने की हम शपथ लेते हैं। प्लेज प्लेज मीन्स ऑथ, शपथ। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। कभी नहीं फिर से कभी ऐसा नहीं होगा कि ये सुंदर धरती, हमारे साउथ अफ्रीका की ये सुंदर सी मिट्टी, ये धरती फिर से एक के द्वारा दूसरे के प्रति दमन के अनुभव नहीं ले पाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। एक मानव उपलब्धि का, जो इतना शानदार उपलब्धि है, इसका सूर्यास्त कभी नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। आओ स्वतंत्रता का शासन स्थापित करें। रेन रेन मीन्स रूल। गॉड ब्लेस अफ्रीका।
हे भगवान, हमारे इस अफ्रीका को आशीर्वाद दो, हमें वरदान दो। सो हमने नेल्सन मंडेला जी की शपथ को ध्यान से सुना और इसकी माइन्यूट अंडरस्टैंडिंग ली, जो बड़ा ही हार्ट टचिंग ओथ था, एक बहुत दिल को छू जाने वाली इनकी शपथ है। अब इसके बाद हम इस पार्ट की कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ऊपर हम इसी टेक्स्ट से निकाल लेंगे। एक बार देखते हैं, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? क्या आप किसी पब्लिक बिल्डिंग के बारे में भारत में जो सैंडस्टोन पे बनी हुई है बता सकते हो? कोई भी पब्लिक बिल्डिंग, तो कहाँ पे ये समारोह रखा गया था? सो इसका आंसर हम बिगनिंग में देख लेंगे। यहाँ पे हमारा ये आंसर बन जाएगा उस क्वेश्चन का, और इसको हम अंडरलाइन भी करते जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारे उस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। लेट्स सी, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। ये समारोह सुंदर से सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में, जिसे प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था। ये हमारा आंसर है, हम इसको अंडरलाइन करते हैं। यहाँ से हमारा ये पार्ट कंप्लीट, यहाँ तक ये हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसका आंसर निकाल लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैन यू से हाउ 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई कैसे ऑटम डे है साउथ अफ्रीका में? क्योंकि यहाँ पे देखिए, 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई की सुबह बड़ी ही स्पष्ट और चमकीली थी, तेज धूप थी। यहाँ पे इसका आंसर निकल सकता है। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला ने मेंशन्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, व्हाट डज ही मीन बाय दिस? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड? अपनी स्पीच के शुरुआत में मंडेला मेंशन करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, व्हाट डज ही मीन बाय दिस? इससे उनका तात्पर्य क्या है? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स एट द एंड? तो अपनी स्पीच के शुरुआत में मंडेला जो मेंशन करते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या था, नेल्सन मंडेला मीन टू से दैट
दैट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बिकॉज ही एंड हिज फेलोज हैड इम्प्रिजंड इन जेल एंड मिस्टर मैंडेला स्पेंट 30 years ऑफ हिज लाइफ इन प्रिजन वेहर दे हैड सफर्ड ए लॉट एक्सप्लॉयटेड बाई वाइट पीपल। नेक्स्ट हमारा देखिए, व्हाट डज मैंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मैंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर हैविंग टू अराइव टू सेलिब्रेट द सेरेमनी विच टू प्लेस इन एम्पी थिएटर इन प्रेटोरिया। वट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो लास्ट में हम यहाँ देख लेंगे, द लवली एंड ब्यूटिफुल लैंड विल नेवर अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। सो वी हैव डिस्कस्ड टेक्सुअल कंटेंट ऑफ द थर्ड पार्ट विद क्वेश्चंस। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर विद फोर्थ पार्ट। थैंक्स टू ऑल।